हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पिछले पार्ट का जो आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, प्रश्न कर चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का एक प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। पता नहीं ये प्रश्न बहन दीक्षा चौहान का है, उनका की समझ में नहीं आ रहा है ऐसा मैसेज भेजा था, इसलिए एक सामूहिक रूप से आपको ये प्रश्न हम सॉल्व करा रहे हैं और समझा रहे हैं, जिससे सर को अगर किसी कारण से कहीं कोई समस्या आ रही है तो क्लियर हो जाए। इसी तरह से आप अपने अन्य क्वेश्चन किसी में को कोई समझ में नहीं आते हैं तो वो मैसेज करेंगे, हम उस प्रश्न को आपको समझाएंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ये प्रश्न आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको कंप्लीट करना। इनकम दी हुई है एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको कंजम्पशन, सेविंग और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करना है। तो पहले हम कंजम्पशन कराते हैं। यहां इनकम जीरो है, सेविंग माइनस 80। हमेशा ध्यान रखो कि जब इनकम जीरो होती है तो जो सेविंग होगी वही कंजम्पशन होगा। सेविंग माइनस 80 है अर्थात ये लोन आधारित है, उधार आधारित है। जब इनकम जीरो होती है तो जो लोन हम लेते हैं उसको माइनस सेविंग के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो इनकम जीरो होने पर भी रहती हैं, इसीलिए ऐसे खर्चों को माइनस सेविंग के रूप में जानते हैं। क्योंकि माइनस 80 है इसलिए आपका कंजम्पशन माइनस 80 हो गया। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप से ये ध्यान रखो कि ये आपने फार्मूला लिखा है C इक्वल टू ए बी सी इंटू आई। कैसे हुआ? क्योंकि हम जानते हैं ए बी सी इक्वल टू सी अपॉन वाई। कंजम्पशन को इनकम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ए बी सी आ जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी से आपका फॉर्मूला बन गया कि C इक्वल टू ए बी सी इंटू आई, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इनकम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कंजम्पशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एपीसी 1.6 है, इनकम 100 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 160 आ गया। ऐसे ही 200 है, 1 है, 200 हो गया, 0.8 है, 300 है, 240 हो गया। ये हमारा कंजम्पशन का कॉलम कंप्लीट हो गया। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, इसको अलग से कॉलम बना के करना पड़ेगा। अब इसके आधार पर सेविंग को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो कंजम्पशन है उसमें से इनकम को माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपका सेविंग आ जाएगा। तो माइनस 80 है, ये जीरो है, माइनस 80 हो गया। ये 100 है, ये 160 है, 100 माइनस 160 इक्वल टू माइनस 60। 200 इनकम है, 200 कंजम्पशन है, वो जीरो हो गया, अर्थात कोई सेविंग नहीं है, ना माइनस है ना प्लस। इनकम 300 है, कंजम्पशन 240 है, इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल टू 60, ये आपका सेविंग हो गया, ये प्लस में हो गया। अब जब सेविंग निकल आया तो अब हमको दूसरा क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। हमें यहाँ फॉर्मूला लिखा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या है कि जो यूनिट बढ़ रही है उस को लिखना, अर्थात जो अंतर हो रहा है। अंतर देखिए 160 है, यहाँ 80, पहले वाले में आप टेस्ट कुछ नहीं करना, 160 है, 80 कंज्यूम है, इसको आप माइनस कर दीजिए इसमें से, इसको आपका यानी एफ पी जो है वो
बढ़ रहा है डेल्टा सी हो गया, डेल्टा वाई इसको घटा दीजिए यानी 100 माइनस 0 100 ये आपका हो गया 0.8। ऐसे दूसरे में चलिए यहां से यहां तो घटाइए 40 हो गया, यहां क्या हो रहा है 200 है इसको लेस करेंगे 200 माइनस 100 आया इक्वल टू 0.4। इससे रहिए यहां 200 है यानी 40 आया अपान 300 में से 100 इक्वल टू 0.4। ये आपका एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट हो गया। आशा है कि ये प्रश्न ठीक से समझ में आया होगा, इसके आधार पर और प्रश्न करेंगे और अगर कहीं समस्या है तो फिर से आप कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा जिस भी चैप्टर का तो वो आप व्हाट्सएप पर भेजिए और उस प्रश्न के आपको हम फिर से आपको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।